सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम देखेंगे ये नया ट्रैक्टर कुबोटा का नियो सीरीज़ वाला जो कि 21 एचपी की रेंज में आता है, क्या इसमें खास बातें हैं और कैसे इसे बनाया गया है, पूरी डिटेल रिव्यू करेंगे। इस वीडियो को आप देखते रहें। इसमें हम देखेंगे इस कुबोटा ट्रैक्टर को जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है इस टाइम, सबसे ज़्यादा बिकने वाला छोटी ट्रैक्टरों में कुबोटा ही है। ये कंपनी जापान की है जो कि अपने ट्रैक्टर वहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है और इंडिया में लाके असेंबल करती है, इसीलिए इनके ट्रैक्टरों पर डिज़ाइन बाय इंडिया में ही हो रहे हैं। तो जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको पूरा फुल लुक बता रहा हूँ कि ये किस प्रकार का दिखता है, पूरी साइड से बता रहा हूँ, जिस साइड से भी आपको देखना है कि किस प्रकार का दिखेगा तो पूरी डिटेल्ड में बता रहा हूँ। तो ये जो सीरीज़ है ये है ए, तो ये जो ट्रैक्टर है ये कुबोटा का नियो स्टार सीरीज़ ट्रैक्टर है। इस पर नियो स्टार की ब्रांडिंग है, नीचे कुबोटा लिखा है, नीचे शुगर केन स्पेशल लिखा है, मतलब गन्ने के लिए खासकर बनाया गया है, और इसका नाम है A211N, डिज़ाइन बाय कुबोटा इन जापान लिखा है, मतलब ये जो इसकी पूरी डिज़ाइन है वो कुबोटा की जापान में बनी है। यहाँ सामने आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक है, ये रेस का लीवर दिया है इसमें, और ये स्टॉपेज के लिए लीवर दिया है, यहाँ पे स्विच लगता है अपना। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो काफ़ी डिज़ाइनिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जैसे जीवो में आता है उस स्टाइल में दिख रहा है बिल्कुल। और इसमें दोनों साइड गियर दिए हैं, गियर की भी पूरी जानकारी देता हूँ। तो इसमें 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर है एक साइड, और दूसरी साइड एक तो ये PTO का गियर है जिसमें एक 540 PTO है और एक 980 PTO है, और उसके साइड में लगा है हाई लो मीडियम का एक गियर बॉक्स, हाई लो मीडियम का एक गियर। और ये नीचे दिया है 4-व्हील ड्राइव के लिए, अगर आपको 4-व्हील ऑप्शन करना है तो 4-व्हील कर सकते हैं, और 2-व्हील करना हो तो 2-व्हील कर सकते हैं। और ये दिया है हाइड्रोलिक लॉक करने के लिए, अगर आप रोड पर जा रहे हैं तो हाइड्रोलिक इससे लॉक कर देंगे तो हाइड्रोलिक नीचे नहीं गिरेगा। पीछे हाइड्रोलिक की बात करें तो इसके हाइड्रोलिक की लिफ्ट कैपेसिटी है वो 750 किलोग्राम है, और काफ़ी डिज़ाइनिश लग रहा है, हमारे यहाँ के जो इंडियन ट्रैक्टर है उनसे काफ़ी अलग दिख रहा है ये। और टायर की बात करें तो इसमें 818 के टायर जो है वो पिछले टायर है, और ये 4-व्हील ड्राइव ऑप्शन में आता है, और जो अगले टायर हैं वो है 512 के, जो कि काफ़ी छोटे टायर है इसलिए ये गन्ने में काफ़ी आसानी से चल सकता है। इसमें 3 ईयर की ब्रांडिंग भी दी है साथ में, मतलब 3 साल की गारंटी है कंपनी की, अगर कोई सामान टूट फूट होती है तो वो देगी। अब चलो इसके अंदर की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कितनी जान है। इसमें ये जो रेडिएटर के सामने जाली दी है ताकि गर्दा ज़्यादा घुसे नहीं और रेडिएटर को ख़राब ना करे, और जाली के पीछे रेडिएटर लगा है, और सामने बैटरी दी है ताकि आगे वेट बढ़े और 4-व्हील में अच्छा हो। इसका जो रेडिएटर है वो नो लॉस टैंक के साथ आता है, मतलब इसमें रिजर्व ऑयल डालते हैं, और साथ ही सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें भी छोटा सा ड्राई एयर क्लीनर दिया है जो कि डोल एलिमेंट के साथ आता है, बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा दिख रहा है। इसमें सिलेंडर इससे यहाँ से दिख नहीं रहे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, 3 सिलेंडर गाड़ी है ये जो है, ये 3 सिलेंडर है, और इसकी क्यूब कैपेसिटी 101 cc की है। साइलेंसर दिया है, ये भी काफ़ी डिज़ाइनिश दिया है, बिल्कुल नीचे ला के दिया है, ऊपर आपको कहीं भी दिखने को नहीं मिलेगा साइलेंसर। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 3 नोजल लगे हुए हैं, सामने देख सकते हैं इसमें पिस्टन पे जो जा रहा है वो 3 नोजल लगे। फ्यूल टैंक की बात करें तो इसका फ्यूल टैंक जो है वो 23 लीटर का फ्यूल टैंक है, काफ़ी बड़ा फ्यूल टैंक है, और साथ ही इसमें काफ़ी डिज़ाइनिश लुक दिया है। अब देखते हैं ये कितने दिन अपने यहाँ क्षेत्र में चलता है। ये काफ़ी छोटा ट्रैक्टर है, लुक में तो थोड़ा लंबा या ज़्यादा दिख रहा है, छोटे ट्रैक्टरों में काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन दी है कुबोटा ने। और एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना भूल गया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो फ़ैन है उसमें 5 पंखुड़ियाँ दी है, मतलब काफ़ी अच्छी कूलिंग रखता है, इंजन काफ़ी गर्म नहीं होगा अगर ज़्यादा देर आप चलाते हैं तो, ये बात मैं आपको बताना भूल गया था इसलिए मैं दिखा रहा हूँ पास से। इसको आप देख सकते हैं, ये साइड में इसका छोटा सा डीजल फिल्टर दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो सामने जो फ्रंट व्हील में जो आया है 4-व्हील ड्राइव के लिए, ये भी काफ़ी स्टाइलिश लुक में दिया है, अलग ही लगता है, बाकी सब ट्रैक्टरों में ऐसे नहीं दिया है। और इसका जो डिफरेंशियल है वो भी कुछ अलग स्टाइल में दिया है, इस यहाँ पर ऑयल डलता है इसमें। तो ये है ओवरऑल ट्रैक्टर। और हाँ, अभी ब्रेक की बात कर लेते हैं, अगर ब्रेक की बात की जाए तो इसके ऑयल इमर्ज डिस्क ब्रेक है, मतलब छोटे ट्रैक्टरों में ये बड़ी बात है कि ऑयल इमर्ज डिस्क ब्रेक दे रही है कंपनी।
यही ये सब ट्रैक्टर के बारे में जानकारी। अगर ऐसी आपको किस ट्रैक्टर संबंधित जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं। धन्यवाद।